मैं हूँ पलक जैन और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरे प्यार तपस्वी से। और ना मेरी शादी की रस्में भी शुरू हो गई है। आज मेरी पहली रस्म है, मेरे ससुराल वाले आए हैं मुझे चुन्नी उड़ाने, अपने घर का सदस्य बनाने। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। श्रृंगार करके सज सवर के दुल्हन से तैयार होकर मिस पलक जैन मिसेस तपस्वी मेहता बनने जा रही हैं, और आज इनकी शादी की पहली रस्म की शुरुआत है, जहां इनके दोस्त और न्यूली वेड कपल कुणाल जयसिंह अपनी बीवी भारती के साथ आए हैं। मरियम खान यानी महिमा मकवाना, अनेरी वजानी और रोहन शाह भी मौजूद हैं अपनी बेस्ट बड्डी की शादी की पहली रस्म में। बेसिकली ये रस्म वो है कि जहाँ पे हम पलक को हमारी फैमिली में वेलकम कर रहे हैं। जी, हमारे छोटी बहन की शादी हो रही है आज, तो पहला फंक्शन है और बहुत एक्साइटमेंट है कि हमारे शादी के बाद हमारी बहन भी शादी कर रही है इमीडिएटली एक महीने के गैप में, तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम मीटिंग पलक आफ्टर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। मतलब अचानक से जब उसका मैसेज आता है आई एम लाइक, है इसकी शादी हो रही है, सो इट वॉज अ शॉकर। But I'm absolutely happy for Palak. I'm the one जो common friend था और वो लोग मिले, so I'm just very happy. Tapas is a very dear friend और हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, so Tapas and Palak also is a very good friend, so all the best and you all look just so cute together and I'm so glad that I could make it today. I'm very excited. I love Palak. I love Tapas and they are both so beautiful as people and they're made for each other. पलक और तपस्वी की शादी 10 फरवरी को इंदौर में होने वाली है। शादी की बाकी रस्में भी इंदौर में ही निभाई जाएंगी, लेकिन शादी की पहली रस्म की शुरुआत मुंबई में हुई। इस रस्म का नाम है चुन्नी उड़ाना, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ पलक के ससुराल वालों ने पलक को चुन्नी उड़ाई और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। तो वहीं पलक के घर वालों ने भी अपने होने वाले दामाद के साथ शादी की रस्में निभाई। The ceremonies has begun and it is little new to me also. So I'm just going with the flow, enjoying the processes and it's a different feeling ke abhi tak I was attending people's wedding, now it's actually mine, so yeah, dancing and all will happen. Bahut dance karne wale hain aur bahut khayenge, and Palak ki wedding hai to dhamaka to hone वैसे हम आपको बता दें कि बचपन में पलक जैन तपस्वी की बहुत बड़ी फैन थी और इनके प्यार का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, जहां पलक ने तपस्वी को शादी के लिए प्रपोज किया। और अब वो दिन दूर नहीं जब पलक और तपस्वी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। भाई पलक के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती है और आज तो गुलाबी रंग के लहंगा चोली ने इनके चेहरे पर रौनक और भी बढ़ा दी है। पलक इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। पलक हमेशा अच्छी लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, पलक हमेशा अच्छी लगती है, आज भी बहुत अच्छी लग रही है, बट भाई शी इज लुकिंग वेरी डिफरेंट। बेसिकली ये लहंगा कल की फैशन से है एंड दैट्स इट। मैं खुद जाके सिलेक्ट की थी, सो आई हैव डन इट ऑल बाय माय सेल्फ। दूल्हा दुल्हन के साथ साथ तो इनके दोस्तों ने भी सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिमा मकवाना जहाँ काले रंग की साड़ी में चहकती नजर आई, तो वहीं आनेरी ने भी अपना इंडो वेस्टर्न स्टाइल दिखाया। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये मेरी मामा की साड़ी है, आज मैं मुझे आई ची साड़ी घातली है एंड इट्स अ मराठी, वेरी मराठी पैटर्न की साड़ी है, थिक बॉर्डर है, कलर मेरा फेवरेट है एंड मैंने मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी रखी है हमेशा की तरह, जस्ट वन ईयरिंग, बट मैंने ईयरिंग्स कॉन्ट्रास्ट रखे हैं ताकि मैं नहीं चाहती कि वो आउटफिट से थोड़े अलग लगे। एंड या दिस रिंग दैट आई हैव, नथिंग इज द स्टाइल दैट माय सिस्टर
Priya Vajani, she's the one who always styles me all the time. So I'm wearing something with the cape and yeah. इतना ही नहीं, न्यूली वेड कपल कुनाल और भारती भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के हसीन लम्हे शेयर करते नजर आए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे मेरी तारीफ कीजिए। इस बात की खुशी है कि मैं इस कुनाल जैसे की वाइफ हूँ। हर रोज चाय मैं बना के बेड टी देता हूँ उनको ऐसे। पहले हर इंसान को डर लगता है शादी से पहले के क्या होने वाला है, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बार जब आप जंप ले लो उससे बेटर जंप आप जिंदगी में नहीं ले सकते, कसम से। तो एनीवन एंड एवरीवन जिनको भी ऐसा लगता है कि शादी करो नहीं करो, करो करो। बिल्कुल सही कहा कुनाल आपने, शादी का लड्डू होता ही ऐसा है, जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बस शादी की रस्मों की शुरुआत तो हो चुकी है, अब शादी की हर झलक आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियां। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।